दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के हाथ में बैनर था, केजरीवाल ने निभाई जिम्मेदारी, अब हमारी बारी, जेल का जवाब बोर्ड से। इस वॉकथॉन वॉक में दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय भी पहुंचे। गोपाल राय ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के चुनाव के बीच उठाकर जेल में डाला है, इसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत नाराजगी है। पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के इस चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इस दिल्ली का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में क्यों डाल दिया। आज चारों तरफ दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि इस तानाशाही को हटाना है, और इस बार काम करने वाले सांसदों को जिता करके संसद के अंदर भेजना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम इस जेल का जवाब देंगे। उसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाकाथन संडे के दिन ये बज कैंपेन जो है शुरू किया गया है, जिसमें जिस एनर्जी के साथ यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और इस तानाशाह सरकार को जो है 25 मई को अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे।